आपकी चाय। अतिया तो वाकई बीमार हो गई थी। नूर को गलत फहमी हुई। अतिया ने अरसम को ऑफिस जाने से रोकने के लिए कोई बहाना नहीं किया था। तुम बेगम साहिबा के घर नूर के पास गई? नहीं, मैंने कॉल की थी। बेगम साहिबा को? नहीं, अतिया को कॉल की थी। वाह, अतिया की गवाह अतिया, तुम्हारी जहानत पे तालियां बजाने को दिल चाह रहा है। इसमें इस कदर नाराज होने वाली क्या बात? अतिया को मैडम फारूकी हॉस्पिटल लेकर गई थी और साथ सायम भी गया था। सायम और बेगम साहिबा को बेवकूफ बनाना अतिया के बाएं हाथ का काम है। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है अतिया ने कितना बड़ा हाथ मारा है। अशरफ, अब मैं आपको क्या समझाऊं कि मुझे समझाने के बजाय खुद समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी अधेड़ उम्र बहन का रिश्ता यहाँ मोहल्ले में से भी नहीं आया और कैसा महल में कब्जा किया उसने, बोलो। ये किस्मत की बात है और मुझे मेरी किस्मत से कोई गिला नहीं। किस्मत की नहीं, ये तुम्हारी बहन की चाल है। उसी ने बेगम साहिबा को और साहिब को बेवकूफ बनाया और इस सारे चक्कर में हमारी नूर बिचारी पिस गई। आप अभी नूर को फोन करके पूछें कि उसे गलत फहमी हुई थी या उसने सच कहा था। नूर मुझे खुद फोन करेगी। अब नहीं करेगी। नूर की आंखों के सामने तीन मन मिठाई तकसीम की जा रही है। तीन मन मिठाई क्यों? जी, और लाखों रुपए गरीबों में खैरात भी। फारूकी हाउस में मेला सा लगा है। अच्छा, क्यों? मैं खाला और आप खालू बनने जा रहे हैं। अतिया उम्मीद से हो गई। अच्छा, मुबारक हो भाई तुम्हें। आप दुआ करें, नूर के हवाले से भी अल्लाह ऐसी खुशखबरी सुना दे। इंशाल्लाह। कनीज। जी बेगम साहिबा। वो मिठाई चली गई सबके घर? जी। और सबके के पैसे? जी, वो सबके के पैसे सब गरीबों में तकसीम कराएंगे। ठीक है जी। अब तुमने अतिया के कमरे के नजदीक ही रहना है, ठीक है? उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो फौरन दे देना। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आ गए मेरे शहजादे भाई। हाउ इज योर डे? इट वाज रियली गुड। अम्मी, आपके लाड़ली का पहला दिन तो ऑफिस में, इस बात पे तो ट्रीट बनती है ना? बिल्कुल बनती है और मैंने सारी तैयारी करके रखी है। तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैंने जबरदस्त सा डिनर बनवाया। ग्रेट आइडिया, चलें मैं फिर फ्रेश होकर आता हूं। ठीक है।